वीडियो में आपने देखा महेश ने चने चुराए, और इस वाले वीडियो में हम पता लगाएंगे रिया चक्रवर्ती और आज तक के बीच में इंटरव्यू के नाम पे क्या झमेला चल रहा है, आइए देखें। महेश जी कहाँ पे? ऊपर होंगी, जाके देख लो। तुम दोनों क्या कर रहे हो साथ में? महेश जी पता है क्या हुआ, मैं ड्रग्स के मामले में फंस गई हूँ। तुम बस दिन भर फंसती रहो, प्लीज मदद करिए ना। अरे ठीक है, घबराओ मत, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, प्लीज करिए। हाँ, रुक जाओ। हेलो राजदीप। यस सर, बोलिए सर। बहुत दिनों बाद फोन कर रहे हैं सर। राजदीप, तुम्हें एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा छोटा सा। यस सर, किसका लेना पड़ेगा इंटरव्यू? वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ, आओ। रिया, तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ठीक है सर, चलो चलते हैं यहाँ से। चलिए सर चलते हैं। अरे नमस्कार सर, नमस्कार, ये रिया चक्रवर्ती। अरे सर, हम इसको तो जानते हैं सर। हाँ ठीक है सर, क्या करना होगा? मैं एक छोटा सा इंटरव्यू करना है। ठीक है सर, हो जाएगा। तो इस रिया चक्रवर्ती को तुम्हें अच्छाई के बारे में बस दिखाना है, ठीक है, और बुराई तो बस दिखाना ही मत। तुम्हें बोल रही हूँ अच्छे से क्वेश्चन पूछना। यस मैम, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ उल्टा सीधा मत पूछना। अरे नो मैम, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ ये लो, ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बिका हुआ आज तक पे। हमारे साथ है रिया चक्रवर्ती, पूछते हैं क्वेश्चन। तुमको पता ना महेश जी ने 1 करोड़ दिया तुमको? अरे रिया, जानता हूँ, चुप रहो। हाँ तो उल्टा सीधा सवाल मेरे से मत पूछना, ठीक है? रिया तुम चिंता मत करो, चलो स्टार्ट करते हैं। रिया जी, आपका असली नाम क्या है? जी मेरा नाम रिया चक्रवर्ती है। बढ़िया बढ़िया है। अब आप बताइए, आप सुशांत की क्या लगती थी? जी मैं सुशांत की ना गर्लफ्रेंड लगती थी, और मैं उसको बहुत प्यार करती थी, बाबू बोलती थी। तो आप और क्या कहना चाहेंगी सुशांत सिंह के बारे में? मैं आपको क्या बताऊँ, सुशांत सिंह की फैमिली ना बहुत गंदी है। वो मेरे को ना टॉर्चर करती थी, और उसको ना वो एरोप्लेन में बैठता था तो उसको दवाई लेना था, तो मैं उसको दवाई देती थी, और मैं उसकी बहुत केयर करती थी, कोई उसका केयर नहीं करता था, पता नहीं कैसे मर गया। तो आप बताना चाहेंगी उन्होंने सुसाइड क्यों किया? जी ये तो मेरे को नहीं पता। तो आप बताना चाहेंगी आप 8 को उनसे ब्रेकअप करके क्यों घर गई? जी ये तो मैं नहीं बता। तो आप ये बता सकती है क्या कारण होगा उन्होंने सुसाइड किया? जी सॉरी, ये भी मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, आप भूल जाएंगी। जी ये कॉल किसका है? जी मेरे नए बॉयफ्रेंड का कॉल है, तो मैं ले लूं? हाँ क्यों नहीं, आराम से लीजिए कॉल। तो दर्शकों, यहीं पे इंटरव्यू खत्म होता है। देखते रहिए आज तक, सबसे बड़ा बिका हुआ चैनल हमारा आज तक। मैडम एक और इंटरव्यू करना है। किसके साथ करना है? मैडम वो अर्णब गोस्वामी के साथ। क्या? नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्यूअर्स, व्हाई डिड रिया चक्रवर्ती लीव सुशांत? यही कॉन्वर्सेशन को मिसकंस्ट्रू करके पहले तो मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बना दिया है। उनकी बेटी मेरी उम्र की है, चैट में लिखा है चाइल्ड और सर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जी हां, हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जी सामने आई इन दोनों की ड्रग चैट। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की थ्योरी में एनसीबी को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के बीच की एक चैट मिली है, जिसमें बड नाम की ड्रग्स का जिक्र किया गया है। ये चैट 15 मार्च 2020 का रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के बीच का है। इसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को ये बता रही है कि वो यानी कि सुशांत दिन में 4 बार स्मोक करता है, तो उसके अनुसार ही प्लान करना। शोविक पूछता है कि सुशांत को बड भी चाहिए? जी हाँ बड, जिस पर रिया चक्रवर्ती जवाब देती है हाँ बड भी। रिया चक्रवर्ती ने बोला वो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत दिन में 4 बार स्मोक करता है, तो उसके अनुसार ही प्लान करना होगा। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती ने यह बोला और उसे बड भी चाहिए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती ने बोला कि हाँ उसे बड भी चाहिए, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप पर बोला कि ठीक है तो हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती ने बोला कि जो 20 डूट्स का है 20 सिगरेट बन सकता है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती जिस बड की बात कर रही हैं वो एक तरह का ड्रग है जो विदेशों से मुंबई में लाकर बेचा जाता है। मुंबई में इसके काफी ज्यादा डिमांड है और ये कोकीन से भी ज्यादा महंगा मिलता है, यानी कि
आप समझ सकते हैं कि पूरा बॉलीवुड इस कोकीन और ड्रग्स के मामले में एक नंबर पर निशेड़ी हो चुका है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो शिवसेना ने कंगना रनौत को सीधे सीधे ये धमकी दी है कि वो मुंबई में नहीं घुस सकती है, यानी कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग माफिया को बॉलीवुड में एक्सपोज क्या किया। शिवसेना भी सीधा सीधा बॉलीवुड का साथ देकर कंगना रनौत को और अर्नब गोस्वामी को धमकाने में लग गई कि वह मुंबई में नहीं रह सकते, और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत को तो शिवसेना मुंबई में घुसने नहीं देगी। जिस पर कंगना रनौत के फैंस ने शिवसेना को ये बता दिया है कि किसी में भी इतना दम नहीं है जो शेरनी कंगना रनौत को मुंबई में एंटर करने से रोक पाए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई धारा 306 यानी के आत्महत्या के लिए मजबूर करने के एंगल से भी जांच कर रही है। इस मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, यानी कि एक ये भी थ्योरी है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को अपनी जांच में यह पता चला है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हालत रिया चक्रवर्ती से मिलने के कुछ दिन बाद ही खराब होनी शुरू हो गई थी। रिया चक्रवर्ती समेत उसका पूरा परिवार ड्रग्स लेता था। सुशांत के संपर्क में आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के डिप्रेशन की बीमारी का इलाज बड यानी के गांजा बताकर उसको नशे का आदि बना दिया, यानी के उसको बोला ये दवाई है, लेकिन दवाई के रूप में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को गांजा देती रही। जी हां, गांजा। सूत्रों की माने तो सीबीआई को ये भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती हमेशा अपने घर में अपने भाई शोभित चक्रवर्ती के जरिए इतनी ज्यादा ड्रग रखती थी कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की कोई परेशानी ना हो, यानी कि वो उसे दवाई बताती थी लेकिन था वो गांजा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती की वजह से ड्रग्स के आदि हो गए थे। लॉकडाउन लगने के बाद घर में सुशांत सिंह राजपूत रहकर ज्यादा ड्रग्स लेने लगे थे, उन्हें लगा कि ये दवाई है। सुशांत की बहनों को जब सुशांत के ड्रग्स लेने के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे रिया चक्रवर्ती से दूर रहने की सलाह दी। सुशांत रिया चक्रवर्ती के बिना नहीं रह सकते थे। सुशांत की बहनों और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई तीखी बातचीत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को यह चेतावनी दी और चॉइस दी, या तो तुम मेरे साथ रहो यानी कि धमकी दी और शादी करो, या तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी बहनें लगातार सुशांत की हालत को लेकर परेशान रहती थी और उनसे बात करती थी। 8 जून को दिशा सलियान की मौत की खबर सुनकर सुशांत सिंह राजपूत काफी टूट गए थे। सुशांत सिंह राजपूत का रिया चक्रवर्ती से झगड़ा हुआ तो वह घर छोड़कर चली गई थी। इस बीच अपने आप को सामान्य रखने के लिए उस दवाई का सेवन करना शुरू कर दिया जिसे रिया चक्रवर्ती देती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को यह पता नहीं था कि वो दवाई नहीं बल्कि ड्रग्स थी, ड्रग्स यानी के गांजा। सीबीआई की अब तक की तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती की एक पत्नी की तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों रिया चक्रवर्ती के झगड़ों के बीच में फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा दवाई लेने की सोची, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो ड्रग्स और गांजा है जो रिया चक्रवर्ती धोखे से उनको देती थी। हालांकि सीबीआई का ये भी बोलना है कि दिशा सालियान की मौत के बारे में सुशांत सिंह राजपूत को काफी कुछ पता था, यानी कि उन्हें उसकी मौत के सबूत मिल गए थे कि किन लोगों ने उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान को मारा है, और उनके सारे के सारे एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप और हार्ड डिस्क में मौजूद थे, जो कि रिया चक्रवर्ती ने घर से निकलते वक्त सब कुछ डिलीट कर दिया ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई सबूत ना बचे। सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान की मौत के बारे में सब कुछ पता होने के बाद शायद उनकी हत्या कर दी गई। अगर आपको भी यही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ड्रगी को काफी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी को मार दिया है या फिर आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, तो हमें अपनी राय जरूर दें।